मुंबई हमें से हर कोई साइंटिफिक थॉट, साइंटिफिक विचारधारा वगैरह कहते रहता है। क्योंकि मुंबई के आज जीत रहा जो 90.3 थॉट स्टैंड मेरे साथ इसी ख्याल को दो कदम आगे सीरियसली ले जाने वाले हिंदुस्तान के एक बड़े सीनियर साइंटिस्ट जो पिछले कई सालों से बीआरसी के साथ जुड़े हुए हैं, बट अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के अलावा भी वो साइंटिफिक विचारधाराओं को डेवलप करने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। संतोष सकलिया, वेरी क्लोज फ्रेंड। जब भी मेरे को वैज्ञानिक दुनिया में कुछ प्रश्न होता है मैं संतोष सकलिया को फोन कर देता हूँ। संतोष नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जीतूराज, आई एम फाइन, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच मेरे से इस बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले तो कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि इस बार जो सोलर इक्लिप्स हुआ है, हो रहा है 8 अप्रैल 2024, ये सोलर इक्लिप्स कैसा है, क्या है और क्यों है? संतोष, हाँ जीतूराज, पहले तो एक इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो सोलर इक्लिप्स है ये हमारे यहाँ दिखने वाला नहीं है, मुंबई में या इंडिया में या एशिया में। ये दिखने वाला है, या इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन इक्लिप्स, क्योंकि ये नॉर्दर्न अमेरिका में बहुत अच्छे से दिखेगा। उस समय जब उनके यहाँ चंद्रमा सूरज दोनों होंगे तो हमारे यहाँ रात हो चुकी होगी। तो ये ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन इक्लिप्स है जो यूटीसी मतलब यूनिवर्सल जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसके हिसाब से 16:39 को शुरू होगा। ये अप्रोक्सीमेटली संतोष सदी अगर जीतूराज मुंबई को बताना चाहे तो मुंबई के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली कितने बजे होगा? रात को 9:12। इफ पीपल हैव टेलीस्कोप्स वगैरह और वो अपने जैसे नेहरू साइंस सेंटर में होता है, क्या नेहरू साइंस सेंटर जैसी जगहों ने कुछ ऑर्गेनाइज किया है स्पेशल प्रोग्राम इसके लिए? नहीं जीतूराज, आप समझिए, इंडिया में 9:12 पे सूरज होगा नहीं, रात हो चुकी है तो चंद्रमा उसको ढक नहीं पाएगा। संतोष ये सेंटेंस वापस बोलिए। आई एम टेलिंग मुंबई का जीरो कि साइंटिफिक विचार में अगर कविताई छिड़की जाए, अभी जो सेंटेंस बोला आपने प्लीज वापस बोलिए। जीतूराज, रात को 9:12 पे हिंदुस्तान में या एशिया में सूरज होगा नहीं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, जब वो चांद उस सूरज को ढक पाए। तो चांस ही नहीं है देखने का। हाँ, तो भले सरजमीन हिंदुस्तान में या एशिया में विजिबल ना हो, बट आई एम श्योर यू नो कि यूट्यूब नामक प्राणी है, ऑल्सो देर इज नासा की वेबसाइट वगैरह जहाँ पर ये लाइव इज इन लाइव देखेगा। जीतूराज जीतूराज मुंबई की आवाज, हम 90.3 सोलर इक्लिप्स, जीतूराज 90.3 थॉट एंड संतोष सकले बीआरसी के साथ पिछले 26 सालों से जुड़े हुए हैं, बट दुनिया भर में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए बहुत सारा काम करते हैं। मेरे पास कोई भी अगर साइंटिफिक प्रश्न हो उलझे मैं उनको कॉल करते रहता हूँ। वो जीतूराज के साथ सोलर इक्लिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। संतोष, आज सकाळी मैंने जब ये सोलर इक्लिप्स सेशन शुरू किया तो मैंने श्लोकों का उच्चारण किया, बिकॉज आई बिलीव के ऐसे मान्यता है, यू आर द साइंटिस्ट यू करेक्ट मी, कि जीतूराज ने ऐसे कुछ होता नहीं, ऐसे मानते हैं कि जब सोलर इक्लिप्स या कोई भी इक्लिप्स हो तब कुछ बुरा होता है कुछ अच्छा होता है, तो आमच्या घरचं देव आम्ही पाण्यामध्ये ठेवतो वगैरह वगैरह, ये कितना बिलीवेबल है? एज अ साइंटिस्ट आप इसको किस तरह से देखते हैं? जीतूराज, आप सोचिए कि पूरा समय आसमान में दिन के समय दिखने वाला, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें कि हम विषुववृत्त यानी इक्वेटर के थोड़े करीब है, तो हम उतना मतलब वो आप बोल सकते ना विंटर और समर में सूरज का ना होने का उतना अस्तित्व महसूस नहीं करते जितना नॉर्थ पोल वाले और साउथ पोल वाले करते हैं। हमारे लोगों की बात करें, हमारे पुरातन विचारधारा की बात करें, तो देखा पढ़ा समझा बहुत कुछ किया गया, बट कुछ चीजें ऐसी है कि दिन भर दिखने वाला सूरज कभी कभी अचानक गायब हो जाता है। और वो कौन करता होगा? तो उस समय आज से कुछ साल पहले या कुछ हजार साल पहले की विचारधारा थी कि ये शायद कोई ऊपर बैठ के कर रहा है क्योंकि इंसान उसका प्यारा है। आज हम 21वीं सदी में जब हेड ट्रांसप्लांट की हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं तो पुराना प्लीवांगी पुराना है ना, देन ओनली वी विल बी रियली सेट कि 21वीं सदी में हमने सिर्फ विज्ञान की सृष्टि नहीं दृष्टि भी ली है, तो हमें हक है कि हम विज्ञान की सृष्टि का भी यूज करें। क्या बात, पुराना प्लीवांगी पुराना, क्या बात है, व्हाट अ वंडरफुल सेंटेंस। संतोष सकले हिंदुस्तान के वरिष्ठ साइंटिस्ट में से एक है, बीआरसी के साथ है, बट अपने ऑफिशियल काम के अलावा पिछले 26+ सालों से वो साइंटिफिक विचारधारा जैसे उन्होंने अभी भी जीतूराज को दे दी डेवलप कर रहे हैं। संतोष, व्हाट अ ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड सूर्य ग्रहण की खूबसूरती और उससे जुड़े हुए कुछ जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए थैंक यू सो मच, आपके बिजी बिजी शेड्यूल में से समय दिया आपने। संतोष सकले, धन्यवाद जीतूराज। जय हिंद एंड जय टू द सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण का जय हो। थैंक यू। 90.3 पर नाउ इट इज हॉट मुंबई की।